हेलो मॉमीज एंड बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज का ये वीडियो उन मॉमीज के लिए है जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हैं कि वो अपने छोटे बच्चों को कब से दही देना शुरू करें, उनकी डाइट में इंक्लूड करें और कितनी क्वांटिटी में दें और उसे किस किस फॉर्म में दे सकती हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और बच्चों को हम दही या कर्ड 8 मंथ्स के बाद कभी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर वो कर्ड से, दही से एलर्जिक हैं तो हमें उसका ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा और उस सिम्टम्स को पहचानना भी होगा। इसीलिए बच्चों को कोई भी नई चीज़ देने पे हमें 3 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर बच्चे में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन दिखे तो आप उस चीज़ को या कर्ड को देना स्टॉप कर दीजिए। एलर्जिक रिएक्शंस जो उन्हें हो सकते हैं वो ईची रेड स्पॉट्स हो सकते हैं, जैसे कि आँखों के आसपास या मुँह के आसपास कोई रेड स्पॉट्स हो जाए या स्वेलिंग हो जाए, या वो दही खाने के 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद उन्हें वॉमिट हो जाए। इस कंडीशन में आप दही देना उन्हें स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं कि हम उन्हें कितने अमाउंट में दही दे सकते हैं। तो जो बच्चे 8 महीने से छोटे हैं उन्हें हम 1 से 2 स्पून 3 डेज़ अ वीक दे सकते हैं, और जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं उन्हें हम 2 से 4 स्पून 3 डेज़ अ वीक दे सकते हैं। इतना अमाउंट उनके लिए सफिशियंट होता है। अब बात करते हैं कि हम दही को बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल छोटे बच्चे, उन्हें आप केले के साथ, बनाना के साथ मैश करके दे सकते हैं, और जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उन्हें आप चावल में कर्ड को मिला के मिक्स करके भी पूरी डाइट दे सकते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों को हम उनके किसी भी प्यूरी फॉर्म के रेसिपी में भी कर्ड को मिक्स करके दे सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और वो अच्छे से खा सकेंगे। तो आइए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कर्ड, कर्ड के फ़ायदे, दही के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दही सबसे पहली बात तो बच्चों के इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता है, क्योंकि दही में जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है वो बच्चों को बहुत ही अच्छा उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, और बहुत सारी डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं लाइक डायरिया के हो गए या डायसेंट्री के हो गए, उनको स्टमक से उन्हें होने नहीं देता और एक गुड फ्लोरा बना के रखता है बच्चों के टमी में, स्टमक में। सो कर्ड रिलीव्स डायरिया एंड ऑल्सो इन्हेंसेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। कर्ड बच्चों के बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कर्ड में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम और बहुत सारे अदर बेनिफिशियल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें वाइटामिन ए, सी, B6, D, E, K, राइबोफ्लेमिन, फोलेट एंड नियासिन प्रेजेंट होता है, और ये सारे वाइटमिन्स और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए, उनके बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ओवरऑल उनकी बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, और उनका गट यानी कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उन्हें हेल्दी बना के रखते हैं। एंड में मैं आपसे मॉमीज़ यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, उसे हर चीज़ को पचाने में उसकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्शंस करती है। तो अगर आपके बच्चे को दही पसंद आ रहा है, उसकी बॉडी उसे अडेप्ट कर ले रही है, तो आप उसे सही मात्रा में दही या कर्ड उसकी डाइट में इंक्लूड करिए। लेकिन अगर उसे कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो आप उसे तुरंत स्टॉप कर दीजिए, और उसका अल्टरनेट फॉर्म है वो आप यूज़ कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट चार्ट में आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।